हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, साइंस का टोटल 1000 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से कल 1 से लेकर 30 तक क्वेश्चन देखे थे। आज जो देखेंगे 31 से लेकर 60 तक क्वेश्चन देखेंगे। और अगर आपने इससे पहले भी एनसीईआरटी का सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज करा चुके हैं कक्षा 10 का, तो उनको अगर उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को अवश्य देख लें। लिंक जो है उनका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज जो करने वाले हैं साइंस का 31 से लेकर 60 तक, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ़ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ़ से सख्त होती है। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ़ में घर्षण कम होने के कारण जो है उसमें चलना कठिन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र के पानी में आता है, तब जहाज का स्तर पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर आएगा, थोड़ा नीचे आएगा। ऊपर या नीचे जो उससे पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है वो नदी की अपेक्षा अधिक होता है, और जिसका घनत्व जितना अधिक होगा उसका उत्प्लावन बल उतना ही अधिक होगा। अर्थात समुद्र का पानी का उत्प्लावन बल नदी के पानी से जो है अधिक होता है। इसी के कारण जो है समुद्र में जब जहाज जाएगा तो थोड़ा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि समुद्र का पानी का उत्प्लावन बल नदी की अपेक्षा अधिक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? ऑप्शन है लोहे की पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण। लोहे का भार पानी से अधिक है तथा पारे से कम। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम। पारा पानी से भारी होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा, लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। इसी के कारण जो है पारे में जो है लोहा नहीं डूबता है जबकि पानी में डूब जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो याद रखिएगा, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, जबकि न्यूनतम 4 डिग्री, उनका आयतन जो होता है, आयतन जो होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूनतम आयतन होगा, ठीक है। और डेंसिटी घनत्व क्या होता है? घनत्व बराबर क्या होता है? मास बटे वॉल्यूम, यानी द्रव्यमान द्रव्यमान बटे आयतन आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। अर्थात इसका मतलब हुआ, अगर द्रव्यमान 1 मीटर क्यूब है तो 1 मीटर क्यूब आयतन में जितना द्रव्यमान होगा उसी को बोलते हैं घनत्व। 1 मीटर क्यूब में जितना केजी द्रव्यमान होगा उसको ही बोलते हैं घनत्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होता है जबकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका आयतन जो है न्यूनतम होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर जो है उसका जो है घनत्व अपवर्तित रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 नंबर का डी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा सही आंसर बताइए, 1/9, 1/10, 1/6 या 1/4? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी की अपेक्षा कम होता है। बर्फ़ का जो घनत्व होता है
पानी की अपेक्षा कम होता है, और पानी का घनत्व अधिक होने के कारण बर्फ को पूरी तरह से डूबने नहीं देगा, अर्थात उसका 1/10 भाग जो है पानी से ऊपर रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/10। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक बढ़ जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, अर्थात जब दाब अधिक होगा तो बर्फ़ जल्दी पिघलेगा नहीं, दाब अधिक होने पर बर्फ जो है जल्दी पिघलेगा नहीं, अतः वो आपस में चिपक जाएगा, जिससे जो है उसका गलनांक घट जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हवाई जहाज़ से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। हवाई जहाज़ में जो होता है पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम वायु दाब होता है, जिसके कारण पेन का जो स्याही जो है निकलने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु दाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उसे उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है, पर्वतों पर भारी हवाओं का कारण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे से ही उबल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साबुन के बुलबुले के अंदर दाब होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक होता है। याद रखिएगा, साबुन के अंदर जो बुलबुला होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु दाबी का रीडिंग अचानक गिरावट इस बात का संकेत करता है कि मौसम स्थिर व शांत रहेगा, वर्षायुक्त होगा, ठंडा होगा या तूफानी होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्षायुक्त होगा, रीडिंग अचानक सॉरी इसका जो सही आंसर होगा तूफानी होगा, क्योंकि जब वायु दाब का रीडिंग जो है अचानक गिरने पर जो मौसम जो है संकेत तूफानी होगा, और अगर धीरे धीरे गिरेगा तब वर्षायुक्त होगा, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ का संकेत होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्योंकि अधिक दाब पर कम तापक्रम पर उबलने लगता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है लेकिन जो है अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, कुकर के अंदर संवहन धाराएँ उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बर्तन को खुला आप जो है जला गर्म कीजिएगा पानी, तो ये जो भाप बन के उभरने निकलने लगेगा, उड़ने लगेगा, जिसके कारण जो है, और जो है खाना पकाने के लिए जो भाप का बहुत आवश्यक है, कुकर में अधिक दाब होने के कारण जो है, कुकर में जो बंद होने के कारण और अधिक दाब होने के कारण भाप जो है जल्दी नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जो है भाप नहीं निकल पाएगा तो वहाँ पे जो है क्वथनांक बढ़ जाता है, अर्थात तापक्रम पर अधिक तापक्रम उसमें अधिक तापक्रम पर पानी उबलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अधिक दाब पर यो पानी अधिक तापक्रम पर उबलेगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु से ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो इसका सही आंसर होगा क्या होगा बताइए, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है। तो इसका सही आंसर होगा वायु दाब घट जाता है, वायु दाब घटने के कारण गुब्बारा फट जाएगा, क्योंकि वायु अधिक दाब से निम्न दाब की ओर आना चाहेगा, तो ऊपर में वायु दाब कम होता है तो वायु जो है अधिक नीचे गुब्बारे के अंदर तो अधिक दाब है, तो ये जो है निम्न दाब की ओर आना चाहेगा, जिसके कारण गुब्बारा फट जाएगा। तो वायु दाब जो है घट जाता है वायु से ऊपर की ओर जाने पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूर्य से निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो
याद रखिएगा, सूर्य से जो है ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है। इसमें क्या होता है नाभिकीय संलयन में, इसमें हाइड्रोजन के दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, जैसे हीलियम के नाभिक का निर्माण करता है, और जो है इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो याद रखिएगा, चाबी भरी घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, और ये स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा को इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई एम द्रव्यमान का वस्तु जो है पृथ्वी से एच ऊंचाई पर रहे, और जो है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जी है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, और एक होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हाफ एम वी स्क्वायर। तो जो है ये दोनों फार्मूला याद रखे, बहुत जो है जो इम्पॉर्टेंट है। और ये गतिज ऊर्जा क्यों होता है, कोई वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे ही गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा घड़ी में वो स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, जब हम रबड़ के गद्दे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन होता है, ऐसा पदार्थ में पाया जाता है, ये जो है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है। ठीक है, इसको याद रखिए, क्योंकि गद्दे पर बैठते हैं या उठते हैं तो देखिएगा वो अपने आप जो अपना शेप में आ जाएगा, जो कि स्थितिज ऊर्जा जो उसमें रहने के कारण जो है फिर से वो अपना शेप में आ जाएगा, इसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस में गतिज ऊर्जा नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किस में नहीं है आपको बताना है, चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, खींचा हुआ धनुष में, चलता हथौड़ा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसमें गतिज ऊर्जा नहीं है पूछा है, तो खींचा हुआ धनुष में जो है स्थितिज ऊर्जा होता है, याद रखिएगा खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं है। इन सब में बहता हुआ पानी, चलती हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा, सारे में गतिज ऊर्जा होती है। धरती पर जो भी ऐसा कोई है जो गति में रहता है उसमें गतिज ऊर्जा होगा। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक वस्तु की गति दुगुनी होती है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो जैसे कि आप सब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एन एम वी स्क्वायर होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे पूछा है वस्तु की गति दुगुनी करेंगे, जब भी को दुगुना करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी चौगुनी हो जाएगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौगुनी हो जाती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा नियम इस कथन का वैध ठहराता है कि दर को ना उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम, लेस आटेलिए का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, प्रसरण का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, लूसेंट में गलत दिया हुआ, ऊर्जा संरक्षण का नियम नहीं होगा। और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बोलता है, इस नियम के अनुसार द्रव ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब हुआ किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई दो जो है द्रव भाग लेता है ए बी और तीसरा द्रव बनता है सी, तो इन दो जो भाग लिया इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा ये जो है सी का द्रव्यमान के बराबर होगा, यही जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो यहाँ पे देखिए द्रव को ना तो सृजन किया जा सकता और ना ही विनाश किया जा सकता, इन दोनों का ही जो है द्रव्यमान एक ही होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो इस सवाल का जवाब दीजिए, साइकिल और आदमी की गति समान होना चाहिए वरना साइकिल फिसल जाएगी, वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वो गिरने से बच जाएगा, वह झुकता है ताकि वक्र मार्ग पर चलने के लिए पहियों का दबाव डाला जा सके, वह झुकता है ताकि वक्र को और तेज़ी से पार कर सके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह गिरने से बच जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो याद रखिएगा दूध से क्रीम निकालने के लिए जो है अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। मान के चलिए ये झूला है, वो वाला झूला जिसमें आदमी इधर घूमता है, आदमी लटका हुआ है चारों तरफ, है ना, तो इस तरह से जो है
घूम रहा है, हम आपको एक पिक्चर ही दिखा देते हैं। तो ये जो है अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ये अपकेंद्रीय बल जो है अभिकेंद्रीय बल के समान होता है, परंतु ये विपरीत दिशा में लगता है। और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उसका केंद्र की ओर कोई बल लगता है, ठीक है, उसी केंद्र की ओर बल को ही अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो अपकेंद्रीय बल जो है दूध क्रीम निकालने का जो है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा, इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, ना द्रव्यमान और ना ही भार बदलेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। हम जानते हैं द्रव्यमान जो है कि कहीं पे भी नहीं बदलेगा, लेकिन भार बदल जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पे जो वस्तु का भार होता है, चंद्रमा पे जो अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार के 1/6 होता है, अगर पृथ्वी में किसी वस्तु का भार 120 न्यूटन है तो जो है चंद्रमा पर 1/6 यानी कि 20 न्यूटन हो जाएगा। तो भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो याद रखिएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से, इसका आंसर हो जाएगा, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब जो है लिफ्ट का जो है व्यक्ति का भार अधिक मालूम होगा। भार बराबर जानते हैं, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तो mg + ma, जहाँ ma जो है लिफ्ट का जो है एक्सलेशन होगा ये, और ये व्यक्ति का वास्तविक भार होगा। तो यहाँ पे प्लस आएगा, जिसके कारण जो है लिफ्ट में त्वरित गति से ऊपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति का भार बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान गति के साथ ऊपर, समान गति के साथ नीचे। तो जब व्यक्ति का भार जो कम भार होगा वास्तविक भार से, जब वो त्वरण गति से नीचे की ओर आएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे की ओर आने पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/6, क्योंकि अभी बताया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोलक का काल अवधि टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो आपको लोलक का काल अवधि निर्भर करने से पहले लोलक का फार्मूला याद होना चाहिए। इसका फार्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड बराबर टू पाई √L/g होता है। तो ये फार्मूला याद रखिए, 2π √L/g होता है। तो जो है किस पर निर्भर करेगा, द्रव्यमान पर, लंबाई पर, समय पर और तापक्रम पर। तो किस पे निर्भर करेगा, लंबाई पर, ये एल लंबाई है। तो है लोलक का काल अवधि जो है किस पर निर्भर करेगा, लंबाई पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? आपको बताना है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, लोलक की लंबाई गर्मी में बढ़ जाती है, जिसके कारण लगा हुआ समय बढ़ जाता है। क्योंकि हम जानते हैं टाइम पीरियड बराबर 2π √L/g होता है, तो लंबाई बढ़ेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, अर्थात समय बढ़ेगा, अर्थात समय अधिक लेगा, समय बढ़ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा C नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो फिर से वही फार्मूला याद रखिए, आवर्तकाल बराबर 2π √L/g होता है। तो इसमें से देखिए, अगर लंबाई 4% बढ़ाएगा तो जो है उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको बोलते हैं पावसो अनुपात। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, तो आपको बताना है वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है। सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्व के कारण, वर्षा के जल के क्षयता के कारण। तो याद रखिएगा, वो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सतही तनाव के कारण यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। और पृष्ठ तनाव क्या होता है, या सतही तनाव द्रव को जो होता है कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है।
इसीलिए उसका पृष्ठ सदैव तनाव के स्थिति में रहता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव, इसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है, पृष्ठ तनाव को टी से सूचित करते हैं, टी बराबर एफ बटे एल होता है, जहाँ पे एफ का मात्रक फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है और जबकि लंबाई का मीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर। अगला बस यहीं तक, आज जो है 60 ही क्वेश्चन था, मतलब 31 से लेकर 60 क्वेश्चन था और ये 60 अंतिम क्वेश्चन था, ख़त्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, और आपने कितना नंबर लाया है 31 क्वेश्चन में, आपका मार्क्स जो है कमेंट बॉक्स में कीजिए, और कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।